अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ वो है गाजर का हलवा। गाजर वैसे आजकल बहुत आई हुई है, आपको जगह जगह फ्रेश गाजरें मिल रही हैं, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। इसके लिए मैंने जो है 3 किलो गाजरी ली थी, उसको मैंने ग्रेट कर लिया था और शुरू का स्टेप मैंने आपको दिखाया नहीं। तो मैंने गाजरें कद्दूकस करके उसमें 2 कप मिल्क डाला था, लिक्विड मिल्क, और उसके साथ ही मैंने 1/2 कप चीनी ऐड कर दी थी और उसको पकाने के लिए रख दिया था। जब इसका पानी रिड्यूस हो गया था काफ़ी हद तक, तो मैंने इसमें 1/2 कप घी ऐड किया। तो 1/2 कप घी ऐड करने के बाद देखिए इसमें हल्की सी शाइन आ गई थी, उसको मैंने थोड़ा सा कुक किया। उसके बाद मैंने इसमें 1/2 कप शुगर और ऐड की, यानी चीनी। पहले मैंने 1/2 कप ऐड किया था, 1/2 कप मैंने बाद में डाला। आप 1 कप भी डाल सकते हैं, क्योंकि गाजरें अगर मीठी हैं तो ज़्यादा चीनी की ज़रूरत नहीं होती। तो मैंने अभी 1/2 कप यूज़ किया था, आप 1 कप भी ले सकते हैं अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं। तो शुगर ऐड करने के बाद मैंने उसको थोड़ी देर कुक किया, उसको मुसलसल चम्मच चलाते रहें, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ मैंने 1 कप जो है, 1 कप नहीं बल्कि 2 कप मैंने पाउडर मिल्क लिया था। आप नीडो ले लें, एवरीडे ले लें, जो भी आपको इजीली अवेलेबल है। 2 कप इसमें पाउडर मिल्क ऐड किया जाएगा, कि उस स्टेज पे मैंने पाउडर मिल्क ऐड किया है जबकि इसमें पानी बिल्कुल रिड्यूस हो गया है, चीनी भी एब्जॉर्ब हो चुकी है और ये बिल्कुल खोए का टेक्सचर देगा। खोए की जगह मैंने पाउडर मिल्क यूज़ किया है, आप खोया भी ऐड कर सकते हैं इसके साथ। और इसके साथ ही मेरे पास थोड़ी सी मलाई रखी हुई थी, यानी कि फ्रेश क्रीम, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी थी। ये बिल्कुल लास्ट में करेंगे और इसको थोड़ा सा कुक करेंगे और उसके बाद जो है मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था। यानी जैसे ही इससे फ्रेश क्रीम की थिकनेस जो भी है वह एब्जॉर्ब हो गई थी, तो मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था और इसमें मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ऐड किया था, बाकी मैंने गार्निश के लिए रख दिया था। यहाँ पर मैंने हलवा जो है डिश में निकाल लिया है और ये गरम गरम है, इसमें मैंने अंदर भी ड्राई फ्रूट ऐड किया है और बाकी मैं ऊपर गार्निश कर रही हूँ। तो ये रेडी है खाने के लिए और ये बहुत ही मज़े का बना था, बहुत ही यमी था। और इसमें मैंने छोटी इलायची भी ऐड की थी, वो आपने वीडियो में देखी होगी, मैं बोलना भूल गई। तो ये है जी मज़ेदार सा गाजर का हलवा, जो कि बहुत ही आसान तरीके से बना था और बहुत ही ईजी था। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।